गैस्ट्रो का फुल फॉर्म कह रहे होते हैं गैस्ट्रो एंटराइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कुड बी ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो दैट्स वाई द पर्सन इज हैविंग एक्यूट डायरिया. एक्यूट डायरिया का डायग्नोसिस होता है वो गैस्ट्रो एंटराइटिस. अब सिंस डायरिया आ रहा है तो आपने फ्लूड को रिप्लेस करना है. अगर सिर्फ डायरिया है तो उसको ओरल ओआरएस दो एंड द फ्लूड बीइंग लॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड. ठीक है, लेकिन अगर डायरिया के साथ वॉमिटिंग भी है एंड यू सी सीवियर डिहाइड्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स हियर, तब हम उसको आईवी फ्लूड पे ले जाते हैं. ऑल्सो द पीपल इन सीवियर डिहाइड्रेशन, शॉक की कंडीशन आ जाती है, बीपी गोज डाउन, टेकीकार्डिया आ जाता है, पल्स गोज अप, जब आपको फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, आईवी फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देने पड़ते हैं. इफ देयर इज वॉमिटिंग एज वेल, पोटेशियम को रिप्लेस करते हैं हम. सी डायरिया एंड फ्लूड मैनेजमेंट में अगर डिहाइड्रेशन इज माइल्ड टू मॉडरेट तो ओरल फ्लूड्स को इनकरेज करते हैं, ओआरएस लें, फ्रेश जूसेस लें. एंड इफ द पेशेंट इज वॉमिटिंग एंड यू सी साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, तो आईवी सलाइन के साथ पोटेशियम कैंप्यूल ऐड करके, ताकि उसको हाइपोकलीमिया ना हो. तो इंडिकेशंस क्या होती हैं कि हमने इंट्रावीनस फ्लूड देने, ओरल नहीं कराना, पेशेंट वॉमिट कर रहा हो, डिहाइड्रेशन स्वेयर हो, यूरिन आउटपुट ना आ रहा हो. अब ये कैसे मॉनिटर करना है किसी बंदे को, उसका पल्स रेट देखना है, बीपी देखना है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में क्या देखना है, स्किन टर्गर देखना है, स्किन पिंच टेस्ट कितनी देर बाद वापस आता है. अगर लेस देन 2 सेकेंड में आता है तो नॉर्मल है, 2 सेकेंड में आता है तो सम डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट, एंड ग्रेटर देन 2 सेकेंड अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट. टंग मुंह खोल के मुकोजा देखना है, टंग की ड्राइनेस देखनी है और यूरिन आउटपुट नोट करना है. जब सीवियर डिहाइड्रेशन होगी यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज, ऑलिगोज्यूरिया होगा. अच्छा, जब हम फ्लड दे रहे हैं, आईवी फ्लड दे रहे हैं, तो हमने साथ साथ चेक करना है कि हम ओवरलोड ना कर दें. एडल्ट्स में हम जेवीपी देखते हैं फ्लड लोड के लिए, चेस्ट ऑस्कल्टेट करते हैं तो बेसल क्रेपिटेशन आ रही होती है, इट शोज हार्ट फेलियर हो रहा है. दिस हैपेंस इन एडल्टली और कार्डिक पेशेंट. जब फ्लूड्स लगाते हैं तो कैसे मॉनिटर करते हैं कि फ्लूड ओवरलोड ना हो जाए. फ्लूड ओवरलोड होता है तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम ज्यादा आ जाता है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, तो राइट हार्ट फेलियर हो जाता है. और फ्लूड ओवरलोड कैसे देखते हो, आप नेक पे देखते हो, नेक वेक डिस्टेंडेंट है कि नहीं. ठीक है, चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हो तो बेसल क्रैप्ट आ रही होती है. अब एक तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट से आपने मैयर कर लिया कि सोडियम पोटेशियम यूरिया क्रिएटिनिन कितने हैं उसके. यूरिया क्रिएटिनिन विल बी इंक्रीज्ड बिकॉज डिहाइड्रेशन हुई हुई है, सोडियम पोटेशियम विल बी लो. पोटेशियम जो चेंजेस होती है ना, एक्यूट चेंजेस पोटेशियम के स्टेटस में, उसको चेक करने के लिए ईसीजी कर लो 4 to 6 आवरली. हाइपोकुलीमिया में क्या होता है, एसटी डिप्रेशन होती है, शेलो टी वेव होती है, प्रोमिनेंट यू वेव होती है और पीआर इंटरवल इज स्लाइटली प्रोलॉन्ग. ये सब कुछ आ रहे हैं जिसका मतलब आपको यू हैव टू रिप्लेस पोटेशियम. और ओवर हाइड्रेशन, जब आप ज्यादा फ्लूड लगा दोगे तो बाउंडिंग प्लस आएगी, जेवीपी रेस हो जाएगा. न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इसलिए आएंगी क्योंकि ज्यादा फ्लूड लगा दिया तो हाइपोन्यूट्रीमिया होगा, द पर्सन विल गो इनटू एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट. नाउ लेट्स डू पीडियाट्रिक पेशेंट का एक्यूट डायरिया. एक्यूट डायरिया कैसे, what does it mean, ki increase in fluidity volume and number of stool relative to usual bowel habits, passage of 3 or more stools in a day with softer consistency for the usual for this child. ab acute diarrhea ka scenario kaise hota hai, a 1-year-old child presents with green watery stools, he also has vomiting, irritable. ये वर्ड्स जो जनरल बिहेवियर वाले आपको क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं कि आपने कौन सी ए कैटेगरी मैनेजमेंट करनी है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी मैनेजमेंट करनी है और क्लासिफाई कैसे करना है कितनी डिहाइड्रेशन हो गई. तो यू हैव टू नोट ऑल दिस वर्ड कि इरिटेबल लिखा हुआ है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखा हुआ फीवर, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, संकन आइस. अभी इसको करते हैं कैसे इनको क्लासिफाई करना होता है. अब इटियोलॉजी क्या होती है, व्हेन अ child is having gastroenteritis. अगर bacteria तो 25% of the time it's E. coli. You have to memorize this. They ask you कि which bacteria is most likely to cause gastroenteritis. Viruses में rotavirus और इसकी vaccine लगा लें तो diarrhea can be prevented. Parasite में
गियार्डिया, एंटीबायोस्टोलेटिका, अदर डाइटेरी फैक्टर्स, ओवर फीडिंग, स्टारवेशन, फूड पॉइजनिंग, दीज कैन ऑल्सो लीड टू डायरिया. पारेंटल इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया, यूटीआई, इसमें भी होते हैं डायरिया. अच्छा, अगर एक और मैकेनिज्म है कि अगर आप हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं करें, फीको ऑयल कॉन्टेमिनेशन होगी, देन ऑल्सो पर्सन गेट्स डायरिया. ये एंट्री है उन पैथोजेंस के एंटर होने का इन टू अ चाइल्ड. अब हर एक एक माइक्रोब का अलग अलग मैकेनिज्म है. यू हैव टू डू टू ऑफ दीज. वन इज रोटा वायरस का करना है. रोटा वायरस क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स को इन्वेड करते हैं, उनकी फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन खराब करते हैं, और वो लाइनिंग जब तक ठीक नहीं होती तब तक रोटा वायरस जो का जो वायरस है और उसका जो डायरिया है वो क्योर नहीं होता. इट इन्वेड्स इंटेस्टाइनल सेल्स एंड इट ऑल्टर्स देयर फंक्शनिंग एंड देयर रिप्रोडक्शन. एंड विब्रो कॉलेरा, कॉलेरा का कैसे करता है, कॉलेरा वाला ऐसे करता है कि पहले वो क्या करते हैं, म्यूकोजल इंटेस्टाइन के साथ एडहेर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन. सो इवन इफ मोर हीट इज गिवन इट डज नॉट अफेक्ट इस. एंटेरोटॉक्सिन मीन्स इंटेस्टाइन में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर इट गेट्स अटैच टू स्मॉल इंटेस्टाइन. और फिर रिसेप्टर होते हैं जी एम वन, गैंग्लियोसाइट गट की एपिथीलियम में उसके साथ अटैच कर जाते हैं. विब्रो कॉलेरा एंटर हुआ इंटेस्टाइन एल्यूमेन, एडहेर किया और फिर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया. अब ये रिसेप्टर क्या करता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस कराता है, एक्टिवेट कर देता है एडेनाइल साइक्लेज को एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ सीएएमपी प्रोड्यूस होती है. अब ये क्या करती है, ये सारे डिक्रीज कर देती है सोडियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन. वो सेल के अंदर, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर आते ही नहीं है. सोडियम सोडियम अंदर आ ही नहीं रहा और क्लोराइड बाहर जा रहा है. सारा का सारा वाटर यहाँ पे, जहाँ पे मिनरल्स जाते हैं वहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाते हैं और फिर वाटर आता है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए. तो सारा का सारा गट में पानी पड़ा रहेगा. इसको हम सिक्रीटरी डायरिया कहते हैं, व्हेन योर इंटेस्टाइन कैन नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब और सिक्रीट इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड. क्या हुआ है, विब्रो कॉलेरा एंटर हुआ है, इट गेट्स अटैच टू जी एम वन गैंग्लियोसाइट. इससे पहले उसने हीट लेबाइल टॉक्सिन प्रोड्यूस किया था जो अटैच कर गया. उसके बाद एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, सी एम पी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई. उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स को उसने बाहर इंटेस्टाइनल ल्यूमन में फेंक दिया. जब ये सारे बाहर गए तो मोर वाटर इज ऑल्सो फॉलोड इन टू इंटेस्टाइनल ल्यूमन. सिक्रीटरी डायरिया हो गया. अब अगर चाइल्ड आता है विद एक्यूट डायरिया, हाउ वुड यू टेक हिस्ट्री ऑफ अ चाइल्ड इन एक्यूट डायरिया. आप से पूछोगे कितने लूज मोशन आए हैं, वॉमिटिंग है, फीवर है कि नहीं, लूज मोशन की ड्यूरेशन कब से आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी कितने आ रहे हैं, उनका ग्रेड क्या है. ग्रेडिंग होती है कि ब्रिस्टल स्टूल स्केल होता है एंड देयर सम अदर स्केल. ये ग्रेडिंग होती है कि नॉर्मली फॉर्म स्टूल आ रहे हैं, सॉफ्ट आ रहे हैं, लिक्विड स्टूल आ रहे हैं डेट कैन टेक शेप ऑफ एनी कंटेनर, वॉटरी स्टूल आ रहे हैं जो कि कॉलरा में होते हैं, और वॉटरी स्टूल विद फ्यू फ्लेक्स आ रहे हैं, बिल्कुल पानी जैसा आ रहा है. कलर ऑफ स्टूल इजी राइस वाटर स्टूल इन कॉलरा. वॉमिटिंग कितनी हो रही, अगेन ड्यूरेशन कब से हो रही, कितनी हो रही, रिलेशन ऑफ फूड कंटेंट, कोई ब्लड आ रहे कि नहीं, फीवर है, लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, टू रूल आउट इन्फेक्शन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेंगी फिर आपको. साथ में साथ कोई और इन्फेक्शन है लाइक निमोनिया है, यूटीआई है, मीजल्स है, यूरिन पास कर रहा है. Why is it important? जब आप शॉक में जा रहे होते हो, आपका ऑलरेडी वाटर लॉस इतना ज्यादा हो चुका है, ऑलिगजोरिया आ रहा होता है, तो इट्स एन इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन. एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, साथ सीजर्स. जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, तो सीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं. पास्ट हिस्ट्री ऑफ डायरिया के देर वॉज एविडेंस गिवन के यूजली 3 to 4 एपिसोड होती है पर चाइल्ड पर ईयर एंड मैक्सिम ऑफ देम हैपन इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है एंड यू आर स्टिल अंडर गोइंग ईपीआई शेड्यूल और से इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं. और कुछ कुछ लोगों को तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती तो दे डोंट हैव इम्यूनिटी. साथ में पूछोगे जब प्रीवियसली हुआ था तब कौन सी एंटीबायोटिक्स ली थी, एंटी डायरिया ली थी, ORS लिए थे, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं कि नहीं, साथ में कोई और फीडिंग करा रहे हैं, और उस मदर से पूछना है कि लेवल ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूटेंसिल्स का कितना है, हाथ उसके प्रॉपरली साफ होते हैं, किन यूटेंसिल्स में उसको खाना देती है वो, वैक्सीनेशन स्टेटस उसका पूछना है, सोशल एंड
फैमिली हिस्ट्री, कितने बच्चे हैं, मे बी द चाइल्ड इज गेटिंग निग्लेक्टेड. एग्जामिनेशन में यू हैव टू सी जनरल बिहेवियर, ड्राउजी है, इरिटेबल है. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स, टेम्परेचर, बीपी, स्किन परफ्यूजन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह खुलवा के देखना है उसका कि नॉर्मल है, ड्राई है या पर्श पेपर लाइक हो गई है. स्किन टर्गर देखना होता है, 2 सेकेंड से मैयर करना होता है. नॉर्मली फॉरन चली जाती है. इफ इट गोज टिल 2 सेकेंड तो सम डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट. आफ्टर ग्रेटर देन 2 सेकेंड स्वेयर डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट. उसके बाद आईज देखनी है, शाइनी है, टेयर्स आना बंद हो जाते हैं इन स्वेयर डिहाइड्रेशन. इंटीरियर फॉन्टेनेला डिप्रेस हो जाते हैं इन डिहाइड्रेशन. ये देखो sunken fontanella, sunken eyes, lack of tears when crying because water is less, wants to drink water. ये भी अब depend करता है. अगर severe dehydration होगी the child will not be able to drink water, लेकिन some dehydration में वो eager होता है, thirsty होता है and wants to drink. Decrease urine output. ये देखो depressed anterior fontanella, sunken eyes, dry skin, mucous membrane, skin is grayish. Lethargic, dehydrated child. ये इस तरह से करते हैं. No dehydration, not enough sign to classify as some or severe dehydration. अब हमारे पास signs क्या क्या होते हैं. Signs हम जेम से याद रखते हैं. General condition. जनरल कंडीशन में आप लिखते हो कि चाइल्ड लिथार्जिक है, कॉन्शियस है, रेस्टलेस है, इरिटेबल है. आईज देखते हो संकन है और नॉट संकन. माउथ देखते हो, माउथ में म्यूकोजा ड्राई है, ड्रिंक कर सकता है वो, ईगली ड्रिंक कर रहा है और अनेबल टू ड्रिंक. स्किन पिंच टेस्ट करते हैं. ये जेम से हमने क्लासिफाई करना होता है कि कौन सा डिग्री का डायरिया है. अब सम डिहाइड्रेशन में उसका जनरल बिहेवियर होगा रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, आईज संकन होंगी, बट ड्रिंकिंग और उसका म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मल सी होगी थोड़ी, और लाइक ड्रिंक कर रहा होगा वो ईगरली. स्किन पिंच टेस्ट गोस बैक स्लोली, लाइक 2 सेकेंड्स लगते हैं. तो उसको प्लान बी से ट्रीट करेंगे, बताती हूँ प्लान ए बी सी क्या होते हैं. स्वेयर डिहाइड्रेशन में जनरल बिहेवियर लेथार्जिक, अनकॉन्शियस होगा, आईज विल बी संकन, माउथ और इसकी ड्रिंकिंग में विल बी अनएबल टू ड्रिंक, और स्किन पिंच टेस्ट विल बी गोइंग बैक वेरी स्लोली ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स. तब उसको प्लान सी से ट्रीट करेंगे. इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करानी होती है. इन्वेस्टिगेशंस हमने करानी होती है ब्लड काउंट सीबीसी में, हमने टीएलसी देखनी है, वेदर द पर्सन द पेशेंट हैज इन्फेक्शन और नॉट, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने के लिए. स्टूल एग्जामिनेशन करना है फॉर पीएच के रिड्यूसर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ऑस्मोटिक डायरिया तो नहीं है जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से होता है, कोई सिस्ट, एंटीबा की सिस्ट, गियार्डिया की सिस्ट प्रेजेंट तो नहीं है, ल्यूकोसाइट्स और आरबीसीज प्रेजेंट तो नहीं है. सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स कराने हैं, बायकार्ब्स करवाने, एबीजीज से बायकार्ब्स आते हैं, एसिड, ब्लड गैसेस. यूरिन एग्जामिनेशन एंड कल्चर टू रूल आउट यूटीआई, एक्सरे कराने फॉर निमोनिया और ब्लड कल्चर कराने टू सी विच ऑर्गेनिज्म हैज इन्फेस्टेड द चाइल्ड. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं. व्हाई इज इट अ नेसेसिटी टू ट्रीट द पर्सन विद एक्यूट डायरिया एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, द पर्सन विल गो इन टू शॉक. शॉक का क्या मतलब होता है, बीपी ड्रॉप हो रहा होता है, हाइपरटेंसिव टेकीकार्डिया हो रहा होता है और यूरिन आउटपुट ऑल्सो गोज डाउन. मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है इसको. व्हाई इन डायरिया पर्सन हैज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. लॉस ऑफ बायकार्ब्स कैसे हुए हैं. मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे हो रहा है. देखो डायरिया में आपका एल्कली लॉस होता है, ऐसे कि जो बिलरी, पेनकियाटिक और ड्यूरिनरी सीक्रेशंस होती हैं वो एल्कलाइन होती हैं और सारी निकल गई हैं, तो इसीलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है. एसिड इज इंक्रीज्ड
in the body. Hypokalemia aura due to vomiting. उससे पैरालिटिक आइलियस होता है. पैरालिटिक आइलियस का मतलब होता है आपका गट जो होता है पैरालिसिस में चला जाता है. मसल कॉन्ट्रेक्शन जो होती है पूरी हो जाती है बिकॉज पोटेशियम गोज आउट. और ऐसा लगता है ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि दे कम इन व्हेन देयर इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. पैरालिटिक आइलियस इज ड्यू टू इन्फेक्शन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. जब हाइपोकलीमिया होती है तो मसल कॉन्ट्रेक्शन freezed for some time because potassium and sodium are needed for muscular contractions. वो paralyze हो जाता है हमारा गट. convulsions coma आते हैं. hypernatremia, cerebral thrombosis होता है. जब cerebral thrombosis होते हैं क्योंकि आपके brain की perfusion decreases तो उससे DIC set हो जाता है. coagulopathy start हो जाती है. long standing diarrhea होगा तो malnutrition हो जाएगी. acute renal shutdown हो जाता है. इतनी dehydration है and less perfusion to kidneys, you have acute renal shutdown. Superadded oil infections ho jati hai, thrush, diaper dermatitis. Bar bar jab a child is having continuous diarrhea aur sara ka sara nikale diaper dermatitis ho jata hai. Skin ka contact, skin pe inflammation start ho jati hai. And the child can also die as a complication. अब मैनेजमेंट में हमारे पास प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी. व्हेन यू हैव नो डिहाइड्रेशन, जब कोई साइन नहीं आया था और नॉट एनफ साइन टू क्लासिफाई द चाइल्ड हैविंग डिहाइड्रेशन, तो हम क्या करते हैं उसे फ्लूइड्स देते हैं, जिंक सप्लीमेंट देते हैं, उसे कहते हैं घर पे ट्रीट करें. और मदर को एडवाइस कर देते हैं कि अगर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन डेवलप हो, अगर चाइल्ड स्टॉप्स फीडिंग, तब आप उसको ले आए और 5 दिन बाद वैसे ही फॉलोअप करवा के उसको देख लेते हैं. अब प्लान ए में क्या करना है, आपने ORS फीड कराना है, ठीक है, या फिर अदर होम बेस्ड फ्लूइड्स, सूप, योगर्ट, ब्रेस्ट मिल्क, सॉल्ट शुगर का सोल्यूशन बना ले, सीरियल, फ्रेश वाटर के जूसेस जो बने होते हैं, हर्बल टी वीक ही बना के. ये हो गया प्लान ए, ठीक है. मदर को कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखे और ORS सॉल्यूशन या फूड बेस्ड फ्लूइड्स लाइक सो सूप, राइस वाटर, योगर्ट की ड्रिंक्स, क्लीन वाटर फीड कराए. उसके बाद अगर चाइल्ड इज अप टू 2 ईयर्स तो हर लूज स्टूल के बाद 50 to 100 ml देना है. अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट करेगी, वो जो छोटा वाला कप होता है, नॉट बिग कॉफी मग्स, जो छोटा हमारे घर में कप होता है उसका 1/4 जो होता है 50 ml होता है. तो उसने आपने कहना है हाफ ऑफ इट को, अगर 2 साल तक का है बच्चा तो हाफ कप आपने उसको पिलाना है हर दफा वो मोशन करे. और अगर 2 and above है तो आपने पूरा कप उसको पिला देना है. ब्रेस्ट फीडिंग का बताना है उसको, कहना है एक्स्ट्रा फ्लूइड्स देने, ORS साशे उसको 2 प्रोवाइड कर देने और बताना है कि 1 साशे 1 लीटर में करना है और योर वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड क्लीन. नॉर्मल उसको कंटिन्यू फीड कराओ. अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे उसके साथ साथ क्या पल्सेस, वेजिटेबल, मीट, फिश एटलीस्ट 4 to 6 times डेली करना है. 5 दिन बाद फॉलोअप करो और चेक करो एंड रिटर्न इफ द चाइल्ड बिकम्स मोर सिक. अगर वो फीड करना छोड़ दे या फीवर डिवेल्प हो या ब्लड आ जाए तो फौरन आप आ जाओ हॉस्पिटल. ये तो हो गया था व्हेन द चाइल्ड हैड डायरिया बट नो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. अब सम डिहाइड्रेशन में कैसे है कि द चाइल्ड इज रेस्टलेस, इरिटेबल. यू हैव टू हाईलाइट द वर्ड इरिटेबल क्योंकि ये सिनेरियो में लिखा हुआ आएगा एंड इट विल हेल्प यू क्लासिफाई कि ये सम डिहाइड्रेशन है एंड आई हैव टू यूज प्लान बी. इरिटेबल है संकन आई से बट ड्रिंक्स ईगरली, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली. अब प्लान बी में आपने टाइप ऑफ फ्लूइड ORS यूज करना है. अमाउंट कितनी देनी है, 75 ml kg बॉडी वेट. अगर बॉडी वेट उसका सपोज 10 kg है बच्चे का तो 10 को मल्टीप्लाई करो 75 से तो 750 ml हो गए. इन 4 hours में उसको देना है एंड हाउ इट इज गिवन स्लोली, 1 spoon देना है पर 1 to 2 minutes. इस तरह से आपने 4 to 6 hours में स्पून स्पून करके उसको फीड कराना है. जब आपने उसको ये उसका लॉस कंप्लीट कर दिया, अगर उसके नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हो रहे हैं तो प्लान ए पे शिफ्ट करो, उसको नॉर्मल करा दो. लेकिन अगर ये विद इन 4 hours आपने उसको 750, 10 kg का बच्चा था उसको आपने 750 उसको दिया है एंड देर इज स्टिल सम डिहाइड्रेशन तो IV फ्लूइड्स पे शिफ्ट करो. फिर भी ठीक नहीं होता तो प्लान सी स्टार्ट कर देंगे.
अब जब हम ORS से फीड करा रहे होते हैं, उसको रिहाइड्रेट कर रहे होते हैं चाइल्ड को, मरसा ये होता है ओरल रिहाइड्रेशन का कि फ्लूड ओवरलोड हो जाता है, जैसे बड़ों में होते हैं बच्चों में भी होता है। बच्चों में हम कैसे देखते हैं, उनकी पफी आईज हो जाती हैं। अगर पफी आईज हो रही हैं, यू हैव टू स्टॉप ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, क्योंकि हार्ट फेलियर हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। हार्ट फेलियर क्यों होता है? हार्ट फेलियर इसलिए होता है कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है एंड हार्ट हैज टू यूज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स टू पंप इट थ्रू योर बॉडी एंड चिल्ड्रन डाई। ठीक है, तो आपने ORS को स्टॉप करके ब्रेस्ट फीड करा देना है व्हेन यू सी पफी आईज ओवर हाइड्रेशन में। तो प्लान बी में हमने क्या करना है, फ्लूड देना है, जिंक सप्लीमेंट्स देने हैं, मदर को समझा देना है कि ORS कैसे देना है, उसे कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखे और फॉलो अप 5 डेज का बताना है। बुक में प्लान बी में यही लिखा हो कि आपने फर्स्ट 4 आवर्स में देना है। कैसे करना है, जितना भी बच्चे का वेट होगा इन केजी को 75 से मल्टीप्लाई कर देना है और स्पून से फीडिंग करानी है। अब आते हम असेस कैसे करते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन को, कि लिथार्जिक होगा, अनकॉन्शियस होगा, अनएबल टू फीड होगा, उसमें हम प्लान सी यूज करेंगे। प्लान सी में टाइप ऑफ फ्लूइड, प्लान सी में हमने IV रिहाइड्रेशन करनी होती है। अब टाइप ऑफ फ्लूइड कौन से यूज करना होता है, रिंगर लैक्टेट यूज करना होता है। अगर यू आर वर्किंग इन पेरिफेरी एंड रिंगर लैक्टेट इज नॉट अवेलेबल, विच इज ऑलवेज अवेलेबल एंड वी ऑलवेज यूज रिंगर लैक्टेट, तो आप नॉर्मल स्लाइन भी यूज कर सकते हैं। अमाउंट कैसे देनी होती है, 100 ml पर kg बॉडी वेट। सपोज 10 kg का बच्चा है तो कितना देंगे प्लान सी के मुताबिक, अगर 10 kg का बच्चा है तो कितना देंगे प्लान सी के मुताबिक फ्लूइड, और कौन सा फ्लूइड देंगे? शाबाश, 1000 दोगे आप। और फ्लूइड ऑफ चॉइस हमारे पास है रिंगर लैक्टेट। अगर प्लान बी था उसमें 75 ml पर kg देना था। अच्छा, अब हाउ इट इज गिवन, प्लान सी में आपने कैलकुलेट कर लिया कि 10 kg का बच्चा है, आई हैव टू गिव 1000 ml, 75 वाली 75 ml पर kg देना है आपने इन प्लान बी, एंड इन प्लान सी आपने 100 ml पर kg देना है। अब हाउ इट इज गिवन, अब 1/3 जो आपने देना है वो आपने देना है 30 मिनट टू 1 आवर में, और 2/3 जो 70 ml पर kg है वो आपने देना है ओवर 5 आवर में। और कैसे प्रोग्रेस चेक करनी है बच्चे की, अर्ली आपने चेक करना है कि उसकी पल्स रिटर्न हो गई है, कॉन्शियस उसका इम्प्रूव हो गया, क्योंकि अनकॉन्शियस होता है पेशेंट इन सीवियर डिहाइड्रेशन। स्किन टर्जर को पिंच टेस्ट करके देखो कि इम्प्रूव कर गई और यूरिन आना शुरू हो गया कि नहीं। अब इन प्लान सी में आपने IV रिहाइड्रेशन करनी है 100 ml पर kg रिंगर लैक्टेट, एंड इफ नॉट अवेलेबल देन यू विल गो फॉर नॉर्मल स्लाइन। इफ द चाइल्ड इज अंडर 12 months तो 1 आवर में 1/3 फ्लूइड देना है, यानी आपने 1000 कैलकुलेट कर लिया अगर 10 kg का बच्चा था तो इसका 1/3 आपने 1 आवर में देना है अगर अंडर 12 मंथ्स है, एंड इफ ओल्डर देन 12 मंथ टू 5 years तो 30 मिनट्स में देना है, क्योंकि बड़ा बच्चा है उसको जल्दी देना है। ये MCQs में सारी बातें पूछी जाएंगी कि फर्स्ट आवर में 30 ml पर kg देना होता है इफ द चाइल्ड इज अंडर 12 मंथ्स, एंड रेस्ट ऑफ जो उसका 2/3 होता है 1000 का वो 5 आवर्स में देना होता है इफ द चाइल्ड इज अंडर 12 मंथ्स। अगर IV नहीं फीड हो रहा, IV भी नहीं हो रहा, ओरल भी नहीं हो रहा, तो NG फीड कराना है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डेफिसिट थेरेपी क्या होती है। डेफिसिट थेरेपी हमने कांस्टेंट रखी हुई 100 ml पर kg। डेफिसिट थेरेपी वो होती है कि व्हेन द चाइल्ड पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू, यू स्टार्टेड असेसिंग द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो कितना लॉस हुआ यू हैव नो आइडिया। कैसे पता चलेगा कितना लॉस हुआ, यू हैड लिटरली नो आइडिया। जितना डेफिसिट थेरेपी करा के आया उसके लिए हमने प्लान ABCs बनाए हुए,
ठीक है, कॉन्करेंट लॉसेस क्या होते हैं? अगर आपके सामने डायरिया कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो उसको कैसे रिप्लेस करना है? लाइक फ्लूइड फॉर कॉन्करेंट लॉसेस, उसमें 5% डेक्सट्रोज एंड हाफ सलाइन दे रहे हैं 50 ml/kg फॉर नेक्स्ट 5 to 6 hours. कॉन्करेंट लॉसेस होते हैं हर डायरिया, हर वॉमिट के बाद जो आपने रिप्लेस करना होता है. और तीसरी एक चीज है मेंटेनेंस थेरेपी. मेंटेनेंस थेरेपी जो होता है, जो डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, ठीक है. डेफिसिट थेरेपी हो गई, जो कि आपने साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन असेस करने के बाद दी. मेंटेनेंस फ्लूइड हो गया, जो उसकी डेली नीड है, वो भी हमने 100 ml/kg पर रखी हुई है. कंटिन्यूस लॉस हो गया, जो आपने स्पून से फीड करना है 25 to 50 ml/kg, जब भी बच्चा वॉमिट आउट करेगा, व्हेनेवर द चाइल्ड विल बी हैविंग एन एपिसोड ऑफ डायरिया. और फिर इन सबको ऐड कर लेना है, और फिर उसको आपको एक दिन का फ्लूइड बन जाएगा. जितने हमने प्लान ABC से किए हैं, ये डेफिसिट थेरेपी से किए हैं. मेंटेनेंस फ्लूइड उसकी डेली रिक्वायरमेंट है. कंटिन्यूस लॉसेस, हर चीज, हर दफा जब वो वॉमिट आउट करेगा, जब वो डायरिया करेगा, तो हमने स्पून से उसकी फीडिंग करानी है. डेफिसिट थेरेपी है वो, जो हमने प्लान ABC से की है आफ्टर असेसिंग द स्टेटस, डिहाइड्रेशन स्टेटस. और मेंटेनेंस थेरेपी है, जो डेली नीड है ऑफ चाइल्ड ऑफ सर्टन एज. लेट मी शो यू सम मेंटेनेंस फ्लड. यू डोंट हैव टू डू दिस, बट आइडिया होना चाहिए. अब मेंटेनेंस फ्लूइड अगर नियोनेट है, नियोनेट कितने डेज का होता है? 1 to 20 days का. तो अगर प्रीटर्म है, तो उसको 80 ml/kg देना है फर्स्ट डे में, और उसमें 10% डेक्सट्रोज देना है. जब ये मेंटेनेंस है, डेली नीड की बात करें, डेली नीड कितनी होती है. फिर अगर सेकेंड डे पे उसकी 100 ml/kg नीड होती है, 10% डेक्सट्रोज देना होता है. अगर टर्म है, तो उसमें कम जरूरत होती है, 60 ml/kg, 80 ml/kg, और डेक्सट्रोज देना होता है, क्योंकि फॉरन उनकी बॉडी से वाटर डिस्पर्स आउट कर जाता है. दे नीड मोर ग्लूकोज फॉर देयर फंक्शनिंग. अगर ग्रेटर देन 28 days हो जाता है, तो आपने हाफ डेक्सट्रोज एंड हाफ सलाइन देना होता है उसको. फर्स्ट 10 kg, अगर सपोज 15 kg का बेबी है, तो फर्स्ट 10 kg में 100 ml/kg 24 hours में देना होता है. और 15 kg 5 का है ना, तो नेक्स्ट जो 10 kg है, उसमें 50 ml/kg देना होता है. 50 × 5 हो गया 250, और ऊपर 1000 हो गया, तो 1250 देना पड़ेगा. सपोज अगर चाइल्ड 15 kg का था. ये तो मेंटेनेंस फ्लूइड है, जो आपको हर हालत में देने है, उसकी डेली रिक्वायरमेंट है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर सपोज हमने कैलकुलेट कर लिया अ चाइल्ड नीड्स सपोज 750 इन फर्स्ट डे, तो अब 750 क्या मैं उसके अंदर कैसे डालूं? शुड आई यूज ड्रिप? हाउ शुड आई पुट दैट फ्लूइड इन द चाइल्ड? उसके लिए अगर ओरल फीड करें तो फाइन, अदरवाइज यू हैव टू यूज ये वाली ब्रिड्स यूज करने होते हैं. और इसमें ब्रिड की क्वांटिटी कितनी होती है? अगर आपने 300 लगाना है, तो इसकी 3 ब्रिड्स लगानी पड़ेंगी ना. 100 ml है ये. फ्लूइड इन ml ओवर टाइम कितने आर में लगानी है? सपोज अगर हमने 30 मिनट्स में लगानी है, चाइल्ड वॉज ग्रेटर देन 12 मंथ्स बट अप टू 5 ईयर्स, तो हमने 30 मिनट्स में लगानी थी ना, तो हाफ हो गया, और फ्लूइड हो गया 100. अब ब्रिड का कांस्टेंट 1 होता है, ड्रिप का कांस्टेंट 4 होता है, ब्लड का 5 होता है. इस तरह से हम कैलकुलेट कैसे करें? अगर मैंने 100 लगाना है 30 मिनट्स में, हाफ इनटू कांस्टेंट 1, तो ड्रॉप रेट कितना आ जाएगा पर मिनट? इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 200 ड्रॉप पर मिनट सीम्स लाइक टू मच. इसको ऐसे करो, अगर 300 करना है, और 300 को हम फर्स्ट 30 है, 300 है, और इसको हमने करना है 1 hour में,
300 drops per minute. आई थिंक इज टू मच 300 drops per minute. इसको ड्रिप से चला सकते हैं हम 300 drops per minute. जब 4 नीचे आ जाएगा कॉन्स्टेंट में तो वो डिक्रीज हो जाएगा. ये फ्लूड तो बहुत ज्यादा है, इसको हम वी शुड डू इट विद ड्रिप. अच्छा, और क्या क्या चीजें नहीं होती उसमें लिखा हुआ है? हर किसी को जिंक सप्लीमेंटेशन देने. जिंक का क्या ऐसा रोल है? जिंक क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन को, जिससे क्या होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं सीएमपी एक्टिवेटेड पोटेशियम और क्लोराइड, ताकि वो सिक्रीटरी डायरिया ना हो. दूसरा, इम्प्रूव करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो फिर एपिथीलियम रीजनरेट करती है, सही हो जाती है और इम्यून रिस्पॉन्स आपका बेटर हो जाता है. दूसरा, विटामिन ए आपने हर किसी को देना होता है जब डायरिया का पेशेंट आता है. क्यों? उसकी जो एपिथीलियम लाइनिंग होती है उसकी रिकवरी अच्छी हो जाती है और एपिथीलियम लाइनिंग की इंटीग्रिटी मेंटेन होती है. एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स ये याद करनी है कि कॉलेरा में यू हैव एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इज टेट्रासाइक्लिन, शिगेला में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमबीएसएस और गैर्डिया में मेट्रोनिडाजोल. सिर्फ एक एक नेम याद करना है इसका. अच्छा, अगर अब तो चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग टू यू एंड यू थिंक इट्स इन्फेक्शियस डायरिया, तो कैसे पता ऑन स्पॉट के मैं इसके लिए शिगेला के लिए सिप्रो दूं? मुझे पता कैसे चलेगा शिगेला हुआ हुआ है या कॉलेरा हुआ हुआ है? तो टर्शियरी केयर में जब लोग आते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट, तो वो यूजुअली फर्स्ट एंटीबायोटिक लगा के आते हैं, फर्स्ट लाइन जो है ना जनरलाइज ट्रीटमेंट में. एम्पिसिलिन, सेफोटेक्सामीन, सेफ्ट्राइक्सोन फर्स्ट लाइन में ये लगा देते हैं, सेकंड लाइन में एमिकेसिन, थर्ड लाइन में टेंजो जिसके नाम से टेंजोबैक्टम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ई कासल जो लाइनोजोलिड के नेम से आता है. इस तरह से जनरलाइज एंटीबायोटिक लगा देते हैं विदाउट नोइंग, सारे प्रैक्टिशनर विदाउट नोइंग के What was actually the cause of bacteria? तो इस तरह से हम choose करते हैं. First line में ampicillin लगा देंगे, second line amikacin लगा देंगे, amikacin. उसके बाद they ask you how to prevent diarrhea. उसके लिए exclusive breastfeeding करनी है first 6 months of life, ताकि promote करे passive immunity. जो antibodies mother के पास हों वो child में आ जाए. Also breast milk contains all the nutrients needed for early life. It's a complete meal. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट करानी है. वीनिंग ठीक है, शुड बी इंट्रोड्यूस एट द 6 month ऑफ एज, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ना नहीं है, उसको भी कंटिन्यू रखना है. साथ में रोटा वायरस इम्यूनाइजेशन करानी है और कॉलेरा की, साथ ही जिंक सप्लीमेंटेशन और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देने. और मदर को हाइजीनिक प्रैक्टिसेस सिखानी, उसे कहना यूटेंसिल्स को स्टेरलाइज करे, बॉइल वाटर इस्तेमाल करे. Our 10-month-old baby weighing 8 kg has admitted with a history of loose motion, vomiting, fever for last 3 days. On examination, he is lethargic, not taking anything orally. Anterior fontanella is depressed. Enumerate 4 complications of this condition. Ek condition kya hai? अच्छा, इसको क्लासिफाई करो डिहाइड्रेशन को. इज इट सम डिहाइड्रेशन, सिवियर और नो डिहाइड्रेशन? इट इज सिवियर डिहाइड्रेशन. और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आसान से लिखना शुरू करना है. डिहाइड्रेशन है, शॉक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है, फिर वॉमिटिंग वजह से हाइपोकलीमिया और जिसकी वजह से पैरालिटिक आइलियस हो जाएगा, कन्वल्जन्स, कोमा, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, डाइपर डर्मेटाइटिस होगा, पर्सन विल गोइंग टू डीआईसी एंड इवेंचुअली डेथ. हाउ विल यू मैनेज दिस? वी विल यूज ट्रीटमेंट प्लान सी, क्योंकि स्वेयर डिहाइड्रेशन है. अब कैन समबडी टेल मी ट्रीटमेंट प्लान सी में क्या लिखना है?
व्हाट विल यू राइट इन ट्रीटमेंट प्लान सी? आईवी डिहाइड्रेशन होती है, ठीक, रिंगर इलेक्ट्रेट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस, राइट. अमाउंट आपने 100 ml पर केजी देनी होती है, उसका 1/3 जो देना होता है वो आपने 1/2 to 1 hour पे देना है डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स एज. अब ये 10 month का बेबी है तो आपने ये नहीं लिखना डिपेंडिंग ऑन द एज, 10 month का बेबी है ना तो आपने लिखना है 30 ml पर केजी देना है 1 hour में एंड देन 70 ml पर केजी देना है 5 hour में. आईवी रिंगर लैक्टेट 30 ml पर केजी 1 hour, 70 ml पर केजी, 8 kg लिखे हुए. आप एक्यूरेट कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करो 30 ml को 8 से, जितने आते हैं वो 1 hour में देने और 70 ml पर केजी को देना है नेक्स्ट 5 hour में, मल्टीप्लाई करके एक्यूरेट कैलकुलेट करके भी दे सकते हो. उसके बाद हमने क्या करना था, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करनी थी, जिंक विटामिन ए के सप्लीमेंट्स देने थे, साथ ही उसको कहना था कि उसका रीहाइड्रेशन स्टेटस को चेक करती रहे, स्किन टर्जिडिटी, ओरल म्यूकस, यूरिन आउटपुट. उसके अलावा ये तो थे सिर्फ डेफिसिट्स थे ना, डेफिसिट थेरेपी ये सिर्फ बताइए. मेंटेनेंस फ्लूइड लिखने 100 ml पर केजी और कंटिन्यूस लॉस हर वॉमिटिंग और डायरिया के एपिसोड के बाद 25 to 50 ml पर केजी फ्लूइड देना है. शाबाश, आपने ये भी चेक करना है कि ओवर हाइड्रेट हो जाए, पफी आइस तो नहीं हो रही. अब आया 16 month ओल्ड बॉय, हैज हिस्ट्री ऑफ लूज मोशन फॉर लास्ट 20 days, he has history of often and vomiting but refusing to take orally for last 1 day, his examination lethargic. Lethargic general behavior कौन सी वाली में होता है? Lethargic shows which type of severe dehydration में होता है. No, सम में इरिटेबल होता है, प्लीज मेमोराइज दिस. लिथार्जिक में होता है सीवियर डिहाइड्रेशन में. ही ड्रिंक्स पुअरली, हिज स्किन गोज वेरी स्लोली, संकन आइज, इट्स सीवियर डिहाइड्रेशन. प्लान ऑफ मैनेजमेंट वी ऑलरेडी डिस्कस, 4 complications सेम है. 9 month ओल्ड बेबी वेइंग 10 kg हैज बीन एडमिटेड विद हिस्ट्री ऑफ लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीवर फॉर लास्ट 2 days, ऑन एग्जामिनेशन ही इज लिथार्जिक. लिथार्जिक किसमें है? Lethargy is in severe dehydration, not taking anything orally, anterior fontanella pulse is high, volume is low, how will you manage against him? An 8 month boy presented history of frequent vomiting, loose stools for 3 days, lethargic, sunken eyes, cold, feeble, capillary refill is more than 3 seconds, has weight 7 kg, what is the most likely diagnosis? Severe dehydration due to diarrhea, vomiting. Enumerate preventive strategies of this disease. What are the preventive strategies? Severe kaise, ye dekho, general behavior mein lethargic likh diya usne. Skin cold, clammy hui, wo shock mein ja raha hai. You have to memorize GEMS, general behavior, general condition, eyes, mouth, skin. General behavior में अगर lethargy आता है, unconscious लिखा हुआ आता है, you have to memorize this word कि वो severe dehydration में. Irritable होगा तो some dehydration होगा. You have to memorize GEMS. Preventive strategies है, हमें exclusive breastfeed करवाने till first 6 months of life. इम्प्रूव करनी है हाइजेनिक एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, मतलब उसको कहना है यूटेंसिल्स को स्टेरलाइज करें, हाथ वॉश करें, विटामिन ए एंड जिंक सप्लीमेंट्स देने, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रोटा एंड कॉलरा, और अगर उनको डिजिटल साइंस का पहले से बता देना ये जेम्स जो हैं
जनरल पब्लिक शुड ऑल्सो बी अवेयर, जैसे ही ये डिवेलप हो डेंजर साइन तो वो फॉरन ले आए टर्शरी केयर हॉस्पिटल में. A mother brings 3-year-old boy with history of loose stools. He also had 2 episodes of vomiting. What question will you ask the mother? Questions kya puchte hain in history? Puchte hain presenting complaint kya hai, sirf loose motion hai, vomiting hai, fever saath tha ki nahi, loose motion kab se hai, duration, blood aa raha hai ki nahi, वॉमिटिंग का भी ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, ब्लड आ रहा है कि नहीं, फीवर है, साथ में कोई और कि रैश मीजल्स तो नहीं है, खांसी तो नहीं थी, निमोनिया तो नहीं है, पेशाब में जलन, बच्चा पेशाब करते वक्त रोता हो, ठीक है पेशाब उसने कितनी दफा पास किया विद इन लास्ट 6 आवर्स, साथ में झटके पड़े हों हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, पहले कभी डायरिया हुआ था, कौन सी एंटीबायोटिक्स दी थी, क्या क्या खिलाया था, ब्रेस्ट फीड कराती हैं आप, वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, कितने और बच्चे हैं, एग्जामिनेशन पे क्या चीजों पे हम फोकस करते हैं, हम देखते हैं जनरल बिहेवियर, ड्राउजी है, इरिटेबल है, लिथार्जी है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, स्किन टर्जर, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं, आईज देखते हैं कि शाइनी है या डल हुआ हुआ कॉर्निया, इंटीरियर फॉन्टेनेला देखते हैं, डिप्रेस है कि नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं. मेंशन पॉइंट्स ऑफ प्लान ए मैनेजमेंट. प्लान ए मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फ्लूइड्स देते हैं और जिंक सप्लीमेंट देते हैं, उसे कहते हैं कि घर पे ट्रीट होगा, एडवाइस करते हैं मदर को कब रिटर्न करना है. When the child is unable to drink or breastfeed, becomes sicker or develops a fever, या blood in stool आने लग जाए तो foreign आ जाना, और 5 days बाद वैसे भी follow up करा कर देख लेते हैं. अब कौन कौन से fluids उसको कहना है, या oral solution दे दें, breastfeeding को continue रखें, soup दे सकती हैं आप, yogurt दे सकती हैं, salt sugar का solution बना सकती हैं, fresh fruit का water दे सकती हैं, weak herbal tea पिला सकती हैं बच्चे को. Weak herbal tea क्या होती है, पुदीने का पानी होता है. अच्छा, और एक और क्लू जो इसमें था, देखो स्किन पिंच टेस्ट ग्रेटर देन 3 सेकंड्स आ रहा था. मैंने नॉर्मली बताया है 2 के बाद स्वेयर होता है, जब 2 से ज्यादा टाइम, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है तो उसको वेरी स्वेयर स्वेयर डिहाइड्रेशन होती है. Again, 11-year-old girl presents with loose motion for 7 days. She passed bloody stool in the morning and her weight is 10 kg. She is restless and lethargic, has sunken eyes and unable to drink and skin goes back very slowly. How will you classify this according to integrated management of child, IMCI classification? You shouldn't write C, you have to write it's severe dehydration. How will you manage this child in your you will use plan C. आगे plan C पूरा डिटेल में करना है. Compare composition of standard WHO ORS, hypo or smaller ORS in grams per liter. How is the management of severe dehydration according to plan C? इसमें पूरा plan लिख देना. 2 दफा उन्होंने पूछा हुआ, 1 दफा plan C लिखो, 2 दफा complete detail लिखो plan C की. अच्छा, ओल्ड ORS और स्टैंडर्ड जो अब हम यूज कर रहे हैं, जो ओल्ड WHO का ORS था उसके मिली ऑस्मोल 311 थे, अब हम यूज करते हैं उसमें सोडियम 75 होता है, क्लोराइड 65 होता है और ग्लूकोज 75 होता है. ग्लूकोज हमने क्यों रखा हुआ है ORS में, इसलिए जब हम ग्लूकोज देते हैं तो बेटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन होती है, बिकॉज ग्लूकोज लिटरली फ्यूल्स योर ATPase, मेक्स ATPase और पंप को फ्यूल, ATPase बनती है फिर पंप को फ्यूल करती है, जिससे वो सोडियम पोटेशियम अंदर जाते हैं. पोटेशियम हमने दोनों में कम रखा हुआ, सोडियम क्लोराइड कम कर दिया विद शुगर, 245 का कर दिया, बट पोटेशियम इज सेम इन बोथ, एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस और लिखना है ये. A 2-year-old boy weighing 10 kg presented in ER with fever, vomiting, loose stools for 2 days. He is passing scanty urine for 12 hours. On examination, his pulse rate is 120, tachycardia, and his low volume BP hypotension है हुई है. 4 clinical sign जो आप देखते हो to classify it according to WHO. Can somebody tell me
फोर साइन हम कैसे देख रहे हैं, उनका क्या निमोनिक है? GEMS प्लीज। स्किन पेंच ऐसे नहीं करना शुरू कर देना, ऐसे गलत सलत ऊपर नीचे करके। पहले आप जनरल कंडीशन देखते हैं उसकी। जनरल कंडीशन में इफ देर इज नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन तो चाइल्ड विल बी अलर्ट। सम डिहाइड्रेशन में रेस्टलेस इरिटेबल, इन स्वेयर लिथार्जिक अनकॉन्शियस। फिर आप आईज देखोगे, आईज नॉर्मल होंगी नो में। सम डिहाइड्रेशन में संकन होंगी, स्वेयर में भी संकन होंगी। फिर माउथ और ड्रिंकिंग देखना है। नॉर्मल ड्रिंकिंग है, नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। सम में क्या होगा, थर्स्टी होगा, ईगर टू ड्रिंक होगा, स्वेयर में तो वो रिफ्यूज कर देगा। फिर स्किन पिंच टेस्ट करना है, अगर रैपिडली रिटर्न करती है तो नो साइन, अगर इट टेक्स 2 सेकेंड तो रिटर्न स्लोली हो गया, सम डिहाइड्रेशन, ग्रेटर देन 2 सेकेंड हो जाएगा तो इट्स स्वेयर डिहाइड्रेशन। जेम से करना है आपने। इंटीरियर फॉन्टेनेला आप एग्जामिनेशन पर देखते हो, लेकिन जो क्राइटेरिया फोर क्लिनिकल साइन का स्टैब्लिश है उसमें फॉन्टेनेलास नहीं देखने होते, उसमें जेम से करना है रूल। इसीलिए मैंने ये निमोनिक बताया, उसे मेमोराइज करवाया। जनरल कंडीशन देखनी, आईज देखनी है, माउथ एंड ड्रिंकिंग एंड स्किन पिंच देखना है। फॉन्टेनेला जब वो कहेंगे आपने फिजिकल एग्जामिन करना है चाइल्ड को, तब लिखना है। फोर क्लिनिकल साइन में सिर्फ ये लिखने हैं अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन। 10 month old child weighing 10 kg brought to ER with diarrhea, vomiting of 1 day duration. Skin goes slowly on pinch. Pulse is 140 in feeble. How would you classify this dehydration? Isko classify karo. Is dehydration ko. I am waiting to see ki aap log kaise classify karte hai isko. इसको क्लासिफाई करो, इज इट नो डिहाइड्रेशन, इज इट सम डिहाइड्रेशन, और इट इज स्वेयर। इट्स सम, स्लोली जा रही है, वेरी स्लोली होता तो स्वेयर होती। हाउ विल यू मैनेज, वी विल यूज प्लान बी। अब प्लान बी का क्या था, वी वर यूजिंग अ कांस्टेंट 75, ठीक है। 75 को मल्टीप्लाई करना था चाइल्ड वेट से। सपोज तो चाइल्ड वेट 10 kg, तो 750 मैंने देना है फ्लूइड ओवर 4 आवर पीरियड देना है, राइट। साथ में हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करा रहे होते हैं, बाकी फ्लूड्स भी दे रहे होते हैं। ये सिर्फ डेफिसिट लॉस के लिए हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। 75 इंटू बॉडी वेट ऑफ चाइल्ड पेशेंट ओवर 4 आवर्स में देना था ये। उसके बाद हम रीअसेस करते थे, अगर इंप्रूव नहीं करती कंडीशन, फीड उसकी खत्म हो रही होती है और रिफ्यूज कर देता है फीड, तो हम उसको आईवी पे प्लान सी की तरफ लेके चले जाते हैं। अगर वो इंप्रूव कर जाती कंडीशन, तो हम उसको प्लान ए की तरफ ले आते हैं। साथ में यू हैव टू राइट कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, जिंक एंड विटामिन ए सप्लीमेंट्स,